अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। मेरे म्यूजियम की सीरीज वाले व्लॉग के चौथे एपिसोड में वेलकम। पिछले दो तीन दिन मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा हूं मूसियो दे जिप्सी दी, क्योंकि मैं उत्थे जाना सी। मैं उत्थे सोचा सी व्लॉग बनावांगा जाके, लेकिन उतर मैं गया वहां मूसियो दे चोकलाते थे बस ते मैं आया वहां। इसलिए मैं उतर गया वहां कि मूसियो दे जिप्सी वास्ते मैनू तकरीबन 10 मिनट पैदल चलना पैना सी। मूसियो दे चोकलाते है बिल्कुल सामने में, ते अज जिहड़ा व्लॉग है वह मूसियो दे चोकलाते दा ही बना लैने आ। जिप्सी फिर बनावांगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चॉकलेट म्यूजियम की ना मैंने कोई इतनी सर्च की है और ना मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन है इसके मैं सामने आ गया हूँ। ये हो गया जी मूसियो दे चोकलाते। इसके अंदर चल के चेक करते हैं ये क्या है और क्या नहीं है। तो मैं इकबाल हुआ। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये बार्सिलोना के बिल्कुल सेंटर में है। एरिया का नाम है इल बोर्ने। ये सारा पुराना एरिया है, भरिया ही लग रहा है। काफी ज्यादा लोग ने। इतों टिकट लैनी है अच्छा जी, सबसे पहले ये है हमारी एंट्रेंस। ये उसने एक चॉकलेट दी है, ये बार कोड हम उधर स्कैन करेंगे। उसने कहा कि चॉकलेट म्यूजियम के अंदर खानी नहीं है, तुमने जब बाहर निकलोगे तब खाना। और यही हमारी एंट्रेंस है, इसके अंदर चॉकलेट है और ये इसके पीछे एंट्रेंस है। लेट्स सी क्या होता है। खुल गया सिम सिम। चलें जी, चॉकलेट म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। ये भी मेरी लिस्ट में बड़ी देर से था। इस वाली चॉकलेट को मैं सेव कर लेने वाला हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि चॉकलेट चीनी से बनते हैं। ये बेसिकली चीनी से नहीं बनती है, ये फल होता है जिसका नाम होता है काकाओ। ये काकाओ जो है इससे चॉकलेट बनती है। ये वाला फल होता है, ये किधर किधर लगता है अभी मैं आपको बताता हूँ किन किन मुल्कों में ये पैदा होता है, फिर उसके बाद किस प्रोसेस से गुजर के इसकी चॉकलेटें बनती है। चॉकलाटे चॉकलाटे अंदर एंटर होते हैं सारी ये चॉकलेट के मुजस्मे पड़े हुए हैं। ये सारी वाइट चॉकलेट और ब्लैक चॉकलेट को मिक्स करके कार्टून घोड़ा छोड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। पता नहीं ये पिघलती है कि नहीं पिघलती, आई डोंट नो। मे बी इसके अंदर ये ठंडक का कोई इंतज़ाम हो जिसकी वजह से ये पिघलता भी नहीं है, ऐसे ही रहता है हमेशा। आगे चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जी मैं लग गई है कि चॉकलेट बनी कि चॉकलेट जी काकाओ वे आया कितों से। लिखा जी है अमेजोन के जंगलों चू, सब तो पहले दरियाफ्त हुई थी मैक्सीको के कोलों, उस तो बाद फिलिपीना च दरियाफ्त हुई थी, 13वीं सदी च श्रीलंका च, अफ्रीका च, ब्राज़ील च, लेकिन इनू यूरोप के अंदर ट्रेड करके सब तो पहले स्विट्ज़रलैंड ने चॉकलेट बनानी शुरू की थी। ठीक है, आपको याद होगा कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड भी फिरने गए थे, तब भी मैंने अपने दोस्तों को बड़ा ही कहा था कि वहाँ पे असली वाले चॉकलेट म्यूजियम का व्लॉग बनाते हैं, लेकिन वो तब हमको टाइम नहीं मिला। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड वाले व्लॉग का मेरे लिंक ऊपर आ रहा है, वो भी जाके देखिएगा। वहाँ पे चॉकलेट का म्यूजियम नहीं है, वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद चॉकलेट यूरोप में कैसे आई। चॉकलेट यूरोप में ये कश्तियों के जरिए आई। वाओ, ये सवाल मेरे भी जहन में है कि ये पिघलते क्यों नहीं है। ये सारे चॉकलेट के मुजस्मे जो इन्होंने बना के रखे हुए हैं, घोड़े बैल इस तरह की चीज़ें। आगे चलिए, पर
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਸੇ ਸਭਸੇ ਸਸਤੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਚੋਕਲੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਮੁਝੇ ਪੁੱਛਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਚੋਕਲੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਸਪਰਿੰਗ ਸਵੀਟਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਸਵੀਟਸ, ਸਗਰਾ ਦਾ ਫਮਿਲੀਆ ਚੋਕਲੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਸੋ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਜੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੰਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੂਸੋ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾਂ ਮੇਂ ਵੀ ਪੜਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਰਸੋਨਾ ਕਾ ਜ਼ੂ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਾਈਨ ਯੇ ਵਾਲਾ ਮੰਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਿਘਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਚੋਕਲਾਤੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2012 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਕਲੇਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਲੂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵੇ 2012 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਵੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੋਕਲੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸਾ ਮੈਚ ਜਿੱਦਾ ਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨਲਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਲਕਾ ਵੇ ਚੋਕਲੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵੇ। ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ। ਸਟਾਰ ਵਾਰਸ, ਚੋਕਲੇਟ ਮੈਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੋਕਲੇਟ ਲਵਰਸ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਬੱਚੋ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋ ਹੈ ਇਤਨੀ ਚੋਕਲੇਟ ਅਬ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨਕੋ ਚੋਕਲੇਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੀਠਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਚੋਕਲੇਟ ਬਣਾਤੇ ਕੈਸੇ ਤੇ, ਕਕਾਓ ਕੋ ਇੱਧਰ ਪਕਾ ਕੇ ਜਲਾ ਕੇ ਸੜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਧੂੰਆਂ ਚਿਮਨੀ ਨਿਕਲੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੋਕਲੇਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਵਾਹ ਅਸਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੀ ਵਜ਼ਨੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਂ।
पांच छे किस्म दियां मशीनां रखी दियां ने। एक और रखी दी है पांच छे किस्म दी ककाओ, क्योंकि वो बीज सी उन्होंने अगू मुले तो उन्होंने अगू पाउडर बनाने वास्ते बीज नू पाउडर बनाने वास्ते तीन चार किस्म की मशीन यूज हो दी है। एक है एक है एक है देखिया एक है उन्होंने पीसन डिफरेंट किस्म का मटीरियल बनाने वास्ते एक है। वाह तो यह बड़िया बड़िया पुरानी मशीन ने अंधी पड़ गई है। इतने की है जी सारी हिस्टरी। अरे अगले ने किताबा लिखी दी ने पूरे चकोला तहत। जो पिछे स्टैचू वगैरह बनाए देने उन्होंने जड़िया जड़िया डाइया यूज हो सारिया चॉकलेट की कटाई और मशीन। वाओ काकाओ दियां बोरियां इस पूरे म्यूजियम को देखने के लिए आपको तकरीबन 40 मिनट चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। अगर आप आराम आराम से भी आए सारी चीजें देख के पिक्चरें खींच के तो 40 मिनट के अंदर ये सारा म्यूजियम आप कवर कर लेते हैं। इधर से हम लोग बाहर आ गए, उसके साथ ही ये होगी बार टाइप बन गई है बड़ी प्यारी सारी चॉकलेट की किस्म है। गिफ्ट वगैरह तुसी लेके जा सकते हो। चॉकलेट के नाल ऑयल अग्रवाल को पर तो मार चोकोला थे पर तो मरा की पर ये बात नहीं जाने को। मैंने कहा अभी यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ तो चॉकलेट को मैं टेस्ट करके जाऊँगा, तो मैंने एक चॉकलेट ली है। ये भी हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मैं चॉकलेट इतनी खाता नहीं हूँ। भले ग्रासियस अच्छा जी चॉकलेट म्यूजियम का ब्लॉग हो गया ख़त्म। मिलेंगे किसी न्यू ब्लॉग में किसी न्यू जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मैं अपनी गर्म चॉकलेट इंजॉय करता हूँ।